अमेरिकी एजेंसी सीआईए ने वीएचपी और बजरंग दल को धार्मिक उग्रवादी संगठन बताया है, जिसको लेकर वीएचपी अब आग बबूला हो गई है और उसने सीआईए से माफी मांगने की मांग की है। वीएचपी का कहना है कि अगर सीआईए ने माफी नहीं मांगी तो वो विश्वव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने भारत के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों को उग्रवादी धार्मिक संगठन घोषित किया तो विश्व हिंदू परिषद भी फौरन ही सीआईए पर हमलावर हो गई। वीएचपी ने सीआईए के इस फैसले को घोर आपत्तिजनक, अपमानजनक और तथ्यों से परे बताते हुए खुद को पूर्ण रूप से देशभक्त संगठन बताया और कहा कि हमारी गतिविधियां पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित हैं। ये पूरी तरह से आपत्तिजनक है, अपमानजनक है और तथ्यों से कोई इसका लेना देना नहीं है। विश्व हिंदू परिषद एक जवाबदार संगठन है। आप देखें, इसको 5 दशकों से अधिक इसी मुंबई शहर में स्थापना हुई। मामले पर बोलते हुए वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा कि 60,000 से ज्यादा एकल विद्यालय और 1,000 से ज्यादा अन्य दूसरे सेवा कार्य करते हुए वीएचपी देश के समग्र विकास के लिए समर्पित है। इसके साथ ही जैन ने ओसामा बिन लादेन को लेकर सीआईए पर कड़ा प्रहार भी किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूर्ण रूप से देशभक्त संगठन है। 60,000 से अधिक एकल विद्यालय, 10,000 से अधिक अन्य प्रकार के सेवा कार्य हम लोग चलाते हैं और देश के समग्र विकास के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। इन सब तथ्यों की जानकारी उनको नहीं होगी, ये संभव नहीं है। ये सब होते हुए भी उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं तो मैं समझता हूं ये एक षड्यंत्र के अंतर्गत है, उनके कुछ निहित स्वार्थ हैं। ये वो सीआईए है जिसने संपूर्ण विश्व को जेहादी आतंकवाद में झोंका है, ओसामा बिन लादेन को खड़ा किया। इसके साथ ही वीएचपी के संयुक्त महासचिव ने सीआईए के कथित फेसबुक पर छपे भारत के मानचित्र को लेकर भी उस पर निशाना साधा और सीआईए को भारत विरोधी बता डाला। उन्होंने केवल हमको अपमानित नहीं किया, उन्होंने अपमानित किया संपूर्ण भारत को। उनकी सो कॉल्ड फैक्ट बुक, जिसको हम फेक बुक कहते, उसके अंदर जो भारत का नक्शा छापा गया है, उस नक्शे के अंदर उन्होंने गुलाम कश्मीर को और कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान में दिखाया है। मैं समझता हूं ये भारत का घोर अपमान है, इसको किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं सुरेंद्र जैन ने अमेरिकी सरकार से भी ये मांग की कि उसे अपनी इस कुख्यात एजेंसी को आदेश देना चाहिए कि वो अविलंब अपनी इस गलतियों को सुधार कर भारत की जनता से माफी मांगे। ऐसा न होने की स्थिति में जैन ने वीएचपी द्वारा विश्वव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। हमारी अमेरिका की सरकार से अपील है कि वो सीआईए को आदेश दें कि अपनी इस फेक बुक में से इस प्रकार की सब गलतियों को ठीक करें और पूरे देश की जनता से क्षमा याचना करें। हम भारत सरकार से भी अपील करते हैं कि वो अमेरिकी सरकार पर दबाव डालें और दबाव डालकर इन सारे विषयों को ठीक कराएं और अमेरिका को इस बात के लिए विवश करें कि वो माफी मांगे। यदि ये सब नहीं होता तो हमें मजबूर होना पड़ेगा, एक विश्वव्यापी आंदोलन हम अमेरिका और सीआईए के खिलाफ खड़ा करेंगे। इसके अलावा वीएचपी सरकार ने मामले में भारत सरकार से भी दखल देने की अपील की है। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर मोदी सरकार का क्या रुख रहता है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।